हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। तो हमारा ये सीरीज चला था यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंटेंट हम देख रहे थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो या बाकी स्टेट पीसीएस हो, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस और बाकी पीसीएस भी, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ ले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम नहीं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि उससे जो भी संबंधित कंटेंट है वो भी हम स्टडी कर रहे हैं, ताकि उससे उसके आजू बाजू से आसपास से कोई एक क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आप आराम से वो कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आज हम एक छोटा सा वीडियो होगा और यहाँ पे प्रीएम्बल और सिटीजनशिप के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके उससे संबंधित कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट कर लिए थे पिछले दो वीडियो में, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर वो देख ले पहले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले अगर आपको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है पहले कंटेंट देख लेते हैं इसका। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। तो प्रीएम्बल क्या है, हालांकि हमने जो थ्योरी वाली लेक्चर्स हमारे हैं पॉलिटी के उसमें सब कुछ हमने कर लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार और इसको स्टडी कर लेते हैं। प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। इस कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले, जो मेन पार्ट स्टार्ट होने से पहले जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो आपका शुरुआत होता है कहाँ से, प्रीएम्बल से। दैट रिफ्लेक्ट्स द होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। जो क्या रिफ्लेक्ट करता है, लोगों की क्या होप्स है, आशा है, क्या एस्पिरेशन है उसके अंदर, लोगों के अंदर, वो दिखाया जाता है आपका प्रीएम्बल से। इट एम्बॉडीज द बेसिक फिलॉसफी एंड द फंडामेंटल वैल्यूज ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो प्रीएम्बल क्या बताता है, जो बेसिक फिलॉसफी है, जो फंडामेंटल वैल्यूज है जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बेस्ड है, उस बनाए गए हैं। तो बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज बताएगा, ठीक है। और क्या बताएगा, इट इंडिकेट सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। और ये प्रीएम्बल ही हमें बताता है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, पावर है किसी भी सरकार को, वो कहाँ से आता है, तो ये आता है विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये भारत के लोग हैं जो अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट को। ये कहाँ लिखा हुआ है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। और क्या है आगे, तो इन केस ऑन द भारती केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था 1973 में, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1973 वाले जो केस हुआ था किसान भारती केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे अर्लियर 1793 से पहले जो बेरीवाड़ी यूनियन केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया 1973 केसवान भारती केस में, ठीक है। एंड शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोवल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रीएम्बल, ठीक है। इसको हम पढ़ना है, इसको इंटरप्रेट करना है, व्याख्या इस तरह से करना है ताकि जो प्रीएम्बल में जो नोवल विजन एक्सप्रेस्ड किए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, इंटरप्रेट करना है। बट इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स, ठीक है। लेकिन ऐसा इसके पास अपना कोई इंडिपेंडेंट, जो दूसरों से इंडिपेंडेंट हो, अपना कोई लीगल इफेक्ट नहीं, लीगल इफेक्ट इसका नहीं है। डिपेंडेंट है बट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, मतलब बाकी संविधान के दूसरे हिस्सों से इंडिपेंडेंट होकर इसका अपना खुद का कोई अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इन LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगेन हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो LIC केस में सुप्रीम कोर्ट 1995 में फिर से कहा कि जो प्रीएम्बल है ये पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन कोर्ट में डायरेक्टली आप इसे इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट होता है फिर प्रीएम्बल में, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया चेंज फ्रॉम सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पहले आपका प्रीएम्बल अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको चेंज कर दिया गया टू सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर। ये दो नए वर्ड ऐड किए गए सोशलिस्ट एंड सेकुलर, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो पहले से था। एंड चेंज द वर्ड्स यूनिटी ऑफ द नेशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, और फिर यूनिटी को चेंज कर दिया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या था कि प्रीएम्बल 2020 में क्वेश्चन आया था, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, गलत है। नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गलत बात है। पार्ट तो बिल्कुल है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, सेम लीगल इफेक्ट नहीं है। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट के इंडिपेंडेंट होकर अपना कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। तो ये आपका सही हो गया आंसर, ठीक है। अब देखते हैं ओरिजिनल प्रीएम्बल में क्या था। इन द ओरिजिनल प्रीएम्बल ड्यूरिंग 26 जनवरी 1950 को जब हमारा इन्फोर्स हुआ था प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, दर्जा था, वो क्या था, सॉवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। फिर होता था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
एडेड टू मोर वर्ड्स, दो नए वर्ड ऐड किया गया, सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड किया गया, और साथ में इंटीग्रिटी ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। अब इसमें बेस्ट क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ये 2021 का क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को एग्जैक्ट स्टेटस क्या था, दर्जा क्या था। तो उस टाइम सोशलिस्ट और सेकुलर बाद में ऐड किया गया, इनिशियली नहीं था। तो इनिशियली सिर्फ सोवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक था। बाद में 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, द प्रीएम्बल, फिर से, द प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो वही बात है। इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स। तो संविधान को बनाने वाला का क्या इंटेंशन था, क्या मानसिकता थी, उसको उससे ये वो प्रीएम्बल से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन एंड द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ द नेशन। ठीक है, सॉवरन का मतलब क्या होता है? इंडिया हैज़ इट्स ऑन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। सॉवरन का मतलब इंडिया के पास अपना क्या है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, एंड इट इज़ नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। किसी एक्सटर्नल पावर का, किसी बाहरी ताकत का कोई डोमिनियन नहीं है। लेजिस्लेचर हैज़ पावर टू मेक लॉज विच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। और हमारे यहाँ के जो लेजिस्लेचर है उसके पास ये पावर है कि कानून बना सकता है। कुछ लिमिटेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स करती है। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि इट मीन्स अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। मतलब लोकतांत्रिक तरीके से जो सोशलिस्ट इंस है, जो सोशलिस्ट लाभ है वो मिले। ठीक है, इट होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे यहाँ क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी में माना जाता है, जहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं साइड बाई साइड। ठीक है, सेक्युलर का मतलब क्या हो गया कि ऑल द रिलीजन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट। जितने भी धर्म हैं इंडिया में उनको क्या होगा, इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये इनकॉर्पोरेट किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एन एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच गेट्स इट्स अथॉरिटीज। गवर्नमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, हमारे संविधान ने क्या किया है, एक एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया विच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस्ड इन इलेक्शन। वो जो लोगों की इच्छा है उससे पावर मिलता है, उससे अथॉरिटी मिलता है, और लोग अपने विल कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, थ्रू द इलेक्शन। किसे वोट देना है, किसे बनाना है, सरकार में चुनना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, तो ये आपका प्रीएम्बल में होता है। ठीक है, रिपब्लिक क्या होता है, तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो स्टेट के हेड होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे लोगों के द्वारा। ठीक है, वो कोई हायरार्कल नहीं होगा, वंशवाद नहीं चलेगा यहाँ पे। जो हेड होंगे, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट है, ये क्या है, नॉर्मल हेड ऑफ स्टेट है, तो इनका भी इलेक्शन होता है। लेकिन वहीं अगर बात करें ब्रिटेन में, वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट होंगे प्रेसिडेंट, वो हायरार्कल होते हैं, किंग होते हैं, वो चुन के नहीं आते। तो वहाँ रिपब्लिक नहीं है, मोनार्किकल डेमोक्रेटिक है। ठीक है, इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रीएम्बल, देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट इम्बॉडिड इन द प्रीएम्बल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो प्रीएम्बल में इम्बॉडिड नहीं किया गया है, तो वो आपका है लिबर्टी ऑफ थॉट, बिल्कुल है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो गया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताएगा, पीपल ऑफ इंडिया से हमको पावर मिलता है। हैविंग सॉल्मनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर। ये हो गया आपका नेचर ऑफ स्टेट, कि कैसा होगा, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और सिटीजनों के क्या क्या देना है, जस्टिस देना है, तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी देना है, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का एंड वर्शिप का, इकोनॉमिकल लिबर्टी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वालिटी ऑफ, इक्वालिटी किसका होना चाहिए, स्टेटस का एंड अपॉर्चुनिटी का होना चाहिए, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी, भाईचारा क्या एश्योर करेगा, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डिग्निटी, उसके सम्मान एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th day of November 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, अडॉप्ट किया गया और इनैक्ट किया गया एंड गिव आवर सेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था प्रीएम्बल से आपको लगभग 4 क्वेश्चन आए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप की बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ। दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, हमारा संविधान क्या है, फेडरल है, एंड इन विसाजेस ड्यूअल पॉलिटी, सेंटर प्लस स्टेटमेंट पावर का सेपरेशन है,
इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली सिंगल सिटीजनशिप। लेकिन हमारे यहाँ अगर बात करें नागरिकता की बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप है और वो क्या है इंडियन सिटीजनशिप जो नेशनल लेवल पे है। देर इज नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप, कोई राज्य की कोई सेपरेट नागरिकता नहीं है। द उत्तराखंड हाई कोर्ट इन 2010 रूल दैट देर इज नो सेपरेट डोमिसाइल फॉर ईच स्टेट एंड देर इज ओनली वन डोमिसाइल फॉर द एंटायर कंट्री। पूरे कंट्री के लिए एक लौता डोमिसाइल होगा, कोई सेपरेट डोमिसाइल नहीं होगा अलग राज्य के लिए, मतलब एक ही डोमिसाइल हो सकता है एक आदमी का, ठीक है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, इन इंडिया बोथ अ सिटीजन बाई बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज सिटीजन आर एलिजिबल फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए याद रखिएगा सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, चाहे वो बर्थ से हो या नेचुरलाइज सिटीजन हो। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में क्या होता है बट जो बर्थ से सिटीजन होगा वही एलिजिबल होंगे प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, जो नेचुरलाइज सिटीजन होंगे वो नहीं होंगे एलिजिबल, ठीक है। अगर बात करें एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, अगर किसी को सिटीजनशिप लेना है, नागरिकता लेना है, नागरिकता लेना है तो कैसे लेंगे। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फाइव मोड्स ऑफ एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजनशिप लेना है तो पांच तरीका बताया गया है, कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया, याद रखिएगा ये बताया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया, ठीक है। दे आर वो क्या है, सिटीजनशिप बाई बर्थ है, सिटीजनशिप बाई डिसेंट है, सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर लॉस करना है लॉस ऑफ सिटीजनशिप तो यहाँ भी क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब थ्री वेज, तीन तरीका बताया गया है लॉस करने का। पहला रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रिवेशन, ठीक है। डिप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप क्या होता है, ए फॉरेनर हु हैज बीन अर्लियर ग्रांटेड इंडियन सिटीजन, कोई फॉरेनर है जिसे अर्लियर इंडियन सिटीजन ग्रांट किया गया था, कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप, उसे डिप्राइव किया जा सकता है, उसे छीना जा सकता है, कैसे। हिज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ ही हैज ऑब्टेंड द सिटीजनशिप बाई फ्रॉड, अगर उसने फ्रॉड करके कोई सिटीजनशिप हासिल किया है तो उसका सिटीजनशिप छीना जा सकता है। ही हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति उसने डिसलॉयल्टी दिखाई है, ठीक है। ही हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी, एनिमी से किसी दुश्मन के साथ बातचीत किया है ड्यूरिंग अ वार। ही हैज विद इन फाइव ईयर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन इन एनी कोर्ट फॉर टू ईयर्स, तो दो साल तक अगर वो जेल में रहा है किसी भी देश के किसी भी हिस्से में, पाँच साल के कार्यकाल में अगर दो साल उसने ये किया है तो भी छिना जा सकते हैं। एंड ही हैज़ बीन ऑर्डरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर सेवन ईयर्स कंटिन्यूसली, अगर सात साल तक लगातार कहीं बाहर रहा है तो वो भी उसका भी डिप्राइव किया जा सकता है। इसमें क्वेश्चन क्या था, विथ रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2021 का क्वेश्चन है। देर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, बिल्कुल सही बात है। ए सिटीजन बाई बर्थ ओनली कैन बिकम द हीरो, बिल्कुल नहीं, चाहे बर्थ हो या नेचुरलाइजेशन हो वही बन सकता है। ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो ये भी गलत हो गया, अभी जस्ट हमने देखा डिप्राइव हो सकते हैं तो इसका आंसर हो गया वन, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन थे, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर यहाँ पे आपका खत्म होता है प्रीएम्बल और सिटीजनशिप। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन और कंटेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।